टारगेट अचीव, मार्केट क्रैश, किन स्टॉक पर रखें नज़र, ये रहा नहीं आसान। पैसों का समुंदर है और बस मंजिल तक जाना है। ओके, कौन सा टारगेट अचीव हुआ है? ओके, मार्केट क्रैश हो चुकी है, किस स्टॉक्स पर नज़र रखनी चाहिए? ओके, कौन से स्टॉक्स हमें अच्छा गेन दे सकते हैं आने वाले फ्यूचर में? ओके, क्योंकि हमारा, आपको पता ही है, ये जो कुआँ है, ये शेयर बाज़ार एक कुआँ है जो पूरे देश की प्यास बुझा सकता है। आपने भी ये डायलॉग सुना होगा, तो वो इसी डायलॉग के डायलॉग नहीं है बट ये रियलिटी है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। ओके, और जानते हैं कि कौन सा टारगेट पहले अचीव हुआ है। तो उससे पहले, सबसे पहले तो आपका मैं रिक्वेस्ट करना, आपका सबसे पहले मैं अपने चैनल हम सबके चैनल पे आपका स्वागत करना चाहता हूँ, जो कि बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार का चैनल है। ओके, एंड आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। किसके साथ? एंजल ब्रोकिंग के साथ, जीरो डिलीवरी चार्जेस, फ्री में आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो रहा है। एज वेल एज अगर बात करें तो बहुत अच्छा कस्टमर सर्विस है। ओके, और बहुत सारे अलग अलग फीचर्स हैं, आप एक बार इसमें अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको पता चलेगी। तो टारगेट कौन सा अचीव हुआ है? टारगेट अचीव हुआ है ये, मिसेस बेक्टर फूड स्पेशलिटी लिमिटेड। ये शेयर लगभग 500 के आसपास चल रहा था। ओके, एट ए टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने आपको बताया था कि ये शेयर 400 रुपये तक आएगा, और आज की डेट में आप देख सकते हैं 397 पे चल रहा है, और अभी भी इसके नीचे जाने की आशंका पूरी की पूरी है। ओके, और मैंने वीडियो भी बनाई थी तो मैं आपको वो वीडियो दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं। मिसेस बेक्टर फूड्स टारगेट 400 रुपीज़। कौन सा चैनल? बॉस ऑफ फिनेंशियल बाजार। ओके, इसी में मैंने बताया था, 141 लोगों ने यहाँ पर देखा भी था, और देखिए लगभग 469 पे शेयर चल रहा था, और मैंने आपको बताया था कि ये शेयर अभी और नीचे जाएगा, 400 रुपीज़ का इसका टारगेट है। तो इस वीडियो का लिंक ऊपर दे दूंगा। ओके, तो आपको, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको एक आइडिया आ जाएगा मैंने क्यों बताया था, किस लिए बताया था, क्यों, इसके पीछे रीज़न क्या है, और हमें आगे क्या करना है उसकी भी आपको थोड़ी सी बता देता हूँ कि अभी शायद और नीचे जा सकता है, तो धीरे धीरे इसे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और नीचे जाने पर, और या फिर वेट कर सकते हैं रिजल्ट आने तक, क्योंकि एक बार रिजल्ट आ जाएगा तो हमारे पास पिक्चर आ जाएगी। क्योंकि अगर हम देखते हैं इसका मैक्सिमम, तो देखिए यहाँ पर आए हुए कम शेयर को लगभग एक ही महीना हुआ है, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, और हमारे पास ना चार्ट है ना कुछ है इसके बारे में ज़्यादा कुछ, तो इसलिए हम इसके ऊपर तुरंत डिसीजन लेना हमारे लिए नुकसानदायक ही हो सकता है। एज वेल एज मैंने और बताया था एंटनी के बेस पे, तो एंटनी के बारे में भी मैंने बताया था कि 300 पे आ सकता है, तो आज देखिए ये भी 300 पे आ चुका है, और ये शेयर और भी नीचे पूरा का पूरा जा सकता है। तो आइए, जैसे कि आप देख सकते हैं निफ्टी आज की डेट में 218 लगभग 1.5% की गिरावट हुई है, और अगर 2 दिन की बात करें तो 2 दिन में 2.5% से 3% तक की गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई है। एज वेल एज न्यू हाई भी लगता हुआ हमें कल नज़र आया था। सेंसेक्स का भी सेम हाल ही है, अगर बात करें तो यहाँ पर भी 2.5% की गिरावट 2 दिन में हो चुकी है, और आज के दिन में 1.5% की गिरावट, क्योंकि सेंसेक्स लगभग लगभग सेम ही चलते हैं। और अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत सारे शेयर्स हैं, ओके, जो कि जिन्होंने न्यू फ्रेश 52 वीक हाई लगाया है। एज वेल एज अगर हम बात करें डेटा, तो अभी देखिए फॉरेन का डेटा कुछ आया नहीं है, हाँ ओके, अभी अपडेट हुआ नहीं है, बट कल की डेट में भी अगर हम देखते हैं तो कल की डेट में यहाँ पर देखिए 1614 करोड़ रुपये का यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स ने, FIIs ने, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर इन्वेस्ट किए हैं। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पर कौन से शेयर, देखिए ये शेयर तो भागे ही भागे है, एज वेल एज हम बात करेंगे कि कौन से शेयर हमें आगे रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखिए मार्केट गिरी है तो ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ शेयर गिरे होंगे। तो मैं शेयर जो आपको बताने वाला हूँ वो शेयर केवल निफ्टी 50 से ही बताऊँगा, क्योंकि वो शेयर्स बेस्ट शेयर है इन द मार्केट, इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। तो देखिए अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं तो हम नीचे जाते हैं, तो देखिए कुछ शेयर्स ही है जो कि आज की डेट में परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए थे, और 52 वीक हाई और 10-10-11% का यहाँ पर जंप लगाता हुआ नज़र आया था, जिसमें बजाज ऑटो एक है। बट हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वो शेयर्स जो हमें अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, और हम चूज़ किस में करेंगे जो शेयर गिरे हैं, क्योंकि जो गिरे हैं वही तो भागेंगे। तो इस देखिए सबसे पहले जो मेरी चूज़ की गई शेयर है उनमें से बैंकिंग सेक्टर पे ही मेरा फोकस है। बैंकिंग सेक्टर पे क्यों? क्योंकि विदाउट बैंक फाइनेंशियल कंडीशंस और फाइनेंशियल कुछ भी भारत में हो नहीं सकता। ओके, और ये जो शेयर्स है एक तो बेस्ट शेयर्स हैं इंडिया के, और भागेंगे ही भागेंगे अपन। और अगर बात की जाए एक्सिस बैंक, सबसे पहले एक्सिस बैंक क्यों?
क्योंकि देखिए आज के दिन लगभग 5% की गिरावट हुई है, लगभग 30 पॉइंट नीचे गिरा है, और इसका जो 52-week हाई है वो लगभग 750 रुपीज़ है, जो कि लगभग 100 रुपये नीचे चल रहा है। तो इसकी तरफ आप ध्यान बना के रख सकते हैं, ये शेयर आपको अच्छा खासा गेन देता हुआ नजर आएगा। एज वेल एज हम बात करें ICICI बैंक की, तो ये भी लगभग 4% के आसपास गिरा है, 20 20 पॉइंट्स की यहाँ भी गिरावट हुई है। तो पहले भी देखिए मैं बता चुका हूँ इन शेयर्स के बारे में, ओके, और अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब भी गिरावट होती है तो ऐसे ही शेयर्स खरीदने होते हैं, ना कि हमें वो शेयर्स खरीदने होते हैं जो कि भाग चुके हैं। क्योंकि देखिए ये बजाज ऑटो शायद मंडे को ओपन होते साथ और शायद 10% बढ़ जाए, ओके, बट उसके बाद ये इसमें गिरावट होना निश्चित है, क्योंकि इसके 52-week हाई लगाया है, तो ऑब्वियसली बात है ये गिरता हुआ आपको नजर आएगा। बट जो शेयर गिरे हैं, ओके, और जिनके बिना अर्थव्यवस्था चल नहीं सकती, और बड़े बड़े लोग जिनमें बुलिश है, तो वो शेयर यही है, एक्सिस बैंक। इसके अलावा ICICI बैंक, ओके, 532 पे चल रहा है, 550 का इसका हाई है जो कि ऑलरेडी अचीव हो चुका है। बट स्टिल मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो ये शेयर आपको अच्छा खासा गेन फ्यूचर में भी देते हुए जाएगा, और इस आने वाले टाइम में 1000 रुपीज़ तक भी पहुँच सकता है। ओके, इंडसइंड को मैं नहीं लूँगा, मैं आपको अच्छे शेयर्स के बारे में ही बताऊंगा। तो मैं आपको इंडसइंड बैंक भी अच्छा है, बट कुछ ना कुछ उसके ऊपर तलवार लटकी हुई है, जो कि क्या कहते हैं कर्ज से रिलेटेड है, जो कि NPA से रिलेटेड है। HDFC बैंक, ओके, इसकी तरफ ध्यान दे सकते हैं, ओके, 52-week हाई तो इसने अभी कुछ टाइम पहले ही लगाया था 1511 का, बट स्टिल अभी नीचे चल रहा है, 30 पर लगभग 2% की इसमें भी गिरावट है, तो इसकी तरफ ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा आप ध्यान सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ, तो ये भी देखिए 1.5% ये भी गिरा है, इसका भी 52-week हाई कुछ टाइम पहले ही लगाया था 2027। तो ये जो शेयर्स है ये उन चुनिंदा शेयर्स में से है जो आपको अच्छा खासा गेन देंगे। इसके अलावा देखिए आप SCL टैक पे भी नज़र बना सकते हैं, क्योंकि SCL टैक देखिए जो 1067 का इसका हाई था, उसके बाद ये गिरता है, ओके, अच्छे रिजल्ट्स के बावजूद ये गिरता है, और तो देखिए ये बात पस्ती नहीं है, और प्रॉफिट बुकिंग होती है तो प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नज़र आई है, और इसी कंसोलिडेशन फेज पे ये चल रहा है। बट जिस दिन भागेगा ये 1100 रुपये तक डेफिनेटली पहुँचता हुआ आपको नज़र आएगा। तो ये तो मेरे कुछ कुछ चुनिंदा स्टॉक्स थे। इसके अलावा देखिए एक स्टॉक्स और है, बंधन बैंक, कुछ टाइम पहले ही वीडियो बनाई थी, और HDFC, ओके, HDFC मतलब जो हमारा HDFC का फाइनेंशियल ग्रुप है, जो इसका मेन ग्रुप है, जो पेरेंट कंपनी है, उसके 10% हिस्सेदारी लगभग इस बैंक में है, बंधन बैंक में। देखिए मैंने वीडियो बनाई थी लगभग इधर बनाई थी, उसके बाद देखिए ये शेयर अभी और गिरा हुआ है लगभग कितना, अगर बात करें तो ये शेयर और 14% गिर चुका है, लगभग 54 रुपये का और भी गिर चुके हैं। तो देखिए जैसे जैसे ये गिरता जाता है ना, बाय ऑन टिप्स कर लेना, बहुत बेहतरीन बैंक है, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, ओके, बस इन्होंने ये क्या है प्रोविजनिंग ज़्यादा कर रखी है, लगभग 1 लाख करोड़ रुपीज़ के आसपास की इन्होंने प्रोविजन करी है, इस वजह से ये इसके जो रिजल्ट्स है आपको कम होते हुए दिखे हैं, बट ओवरऑल इंटरेस्ट इनकम एवरीथिंग जो भी कहते हैं ना, सब कुछ इस बैंक का बहुत अच्छा है। इसने बस प्रोविजनिंग ज़्यादा करी है, इस वजह से यहाँ पर रिजल्ट थोड़े खट्टे होते हुए नज़र आए हैं। बट स्टिल मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाय ऑन डिप्स पे शेयर को खरीदते रहना, बहुत अच्छा शेयर है, ओके, और कहीं ना कहीं आगे चल के आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स ये देने वाला है, और बहुत अच्छे बैंकों में शुमार हो सकता है, और इसे आए हुए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अगर हम देखें तो देखिए 2 साल ही इसे शेयर को इसे बैंक को मार्केट में लिस्ट होते हुए दिखाई दिया है, बट स्टिल इसी कंसोलिडेशन फेज पे चल रहा है, और जिस तरीके से इसमें गिरावट हुई थी और उसके बाद जो रिटर्न्स दिए हैं, अगर हम देखें तो लगभग 100-150% के रिटर्न दे चुका है, ओके, बट इसे एक्यूमुलेट करते रहना। और अभी जो इसने हाई बनाया था, अगर हम ये 1 month का भी देख लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 420 का हाई बनाया था, उसके बाद यहाँ पर नीचे गिरा है, 24% गिर चुका है, ओके, मैंने बताया था उसके बाद भी गिर चुका है। बट आपको बताना चाहता हूँ ये शेयर आगे चल के धमाल मचाने वाला है, इसकी तरफ नज़र रखना। 10% की हिस्सेदारी किसकी है, HDFC ग्रुप की, इससे रिलेटेड वीडियो भी बनाया था, वो उसका लिंक ऊपर दे दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लीजिएगा। ये मेरी खुद की स्टडी है जो मैंने आपको बताई है, एज ए नॉलेज पर्पज़ ये वीडियो है, खुद की ड्यू डिलीजेंस जरूर कर लीजिएगा, एज वेल एज फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिएगा। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और हमारे इस चैनल जो आप खुद सबका चैनल है, बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार, इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।